मैं स्वयं फिर आ जाऊंगा आपके पास, स्वयं फिर आ जाऊंगा, बाबा से पूछ लेता हूँ, माँ से प्यार कंडीशनल होगा कि दो रोटी देंगी तभी प्यार करूंगा? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं दीपक जी, माँ से प्यार जो होता है वो दिखाने लायक भी नहीं होता है और कोई कंडीशन नहीं होता, अनकंडीशनल होता है। और जहाँ तक बात है, हम अपने देश से प्यार करते हैं और कोई भी मुल्क हो दुनिया में, हम किसी का सपोर्ट नहीं करते हैं। सबसे पहले, सबसे ज़्यादा हमारे लिए हमारा देश अहमियत रखता है। हम जहाँ रहते हैं, जहाँ पैदा हुए हैं, यहाँ की मिट्टी से ज़्यादा कुछ भी नहीं है हमारे लिए। तो जेवा जी, आप भारत माँ की जय बोल के इन दोनों को बता दीजिए। दीपक जी, ये बात अगर मैं याद कर दूं, अभी मैं वीडियो खोज रही थी, इससे पहले भी डिबेट में मैंने बोल दिया था, और बार बार इस तरह बोलना तो कहीं ना कहीं आप ये बताना चाहते हैं कि मैं, मुझे प्रूफ करना पड़ेगा। मैं आपसे, आपने अगर बोला है, मैं आपका सम्मान करता हूं। आपने बिल्कुल ठीक कहा, पहले भी आपको याद होगा, आपने मुझे, मैं आपकी भावना का सम्मान करता हूं, मैं मानता हूं आपने बोला था, लेकिन अब आप ये बोल दीजिए कि इनको, इन लोगों को जो मसूद भाई बैठे हैं और जो दूसरे शोएब जमाई बैठे हैं, इनको भारत माता से ज्यादा प्यार है या एर्दोगन से? आपने सुन लिया इनको आधे घंटे? हमें तो अपने देश से प्यार है, भारत से प्यार है, भारत के आगे कुछ नहीं है, यहाँ की मिट्टी हमारी अपनी है, यहाँ पर हम कमाते हैं, यहाँ पर खाते हैं, यहाँ पे पैदा हुए हैं, इससे ज्यादा हम दूसरा मुल्क, दूसरे देश से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें अपने देश से मतलब है, यहाँ की तरक्की से, यहाँ पे लोगों को नौकरी मिले, यहाँ पे रोजगार बढ़े, ये हमारे लिए। आप भारत माता की जय कहते हैं और आपका एर्दोगन से कोई प्रेम नहीं है, और ये जो टर्की गए थे ये लोग, पीएफआई वाले, ये लोग भारत माता की जय मैं उसी दिन बोलूंगा जब भारत के माताओं और इसकी बेटियों को इज्जत दी जाए, जब बेटियों के साथ रेप हो तो उसके समर्थन में, रेपिस्टों के समर्थन में लोग खड़े नहीं हो, जब हाथरस में, फर्जी बात है ये शोएब जमाई, फर्जी एक्सक्यूज है, फर्जी एक्सक्यूज।